नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद की ओर। कीफा 3 काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 के आयोजक नवीन अग्रवाल, विनयशील एवं प्रेरणा अग्रवाल ने पिछले दो वर्षों की तरह इस तीसरे वर्ष 2023 में भी भारी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति में फिल्म मेकर्स के जमावड़े, सेलिब्रिटीज, मुख्य अतिथि, गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति के बीच 19 और 20 मई 2023 को इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जो अवार्ड सेरेमनी के साथ साथ IMS गाजियाबाद में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें फिल्म अभिनेत्री जरीना बहाव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, फिल्म अभिनेता यशपाल शर्मा को फेम अवार्ड, विनीत कुमार लोहिया चेयरमैन लोहिया ग्लोबल और नीलेश शर्मा एडवोकेट फिल्म मेकर को प्रेस्टिजियस अवार्ड, रमेश चंद्र गौड़ निदेशक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को एक्सलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कीफा 3 में दुनिया भर से लगभग 289 फिल्मों की एंट्रीज हुई, जिनमें से लगभग 40 फिल्मों का जूरी द्वारा ऑफिशियल सिलेक्शन किया गया, जिसकी स्क्रीनिंग 1-7-2 सभागारी में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। फिल्म की विभिन्न श्रेणियों में कई तरह के अवार्ड से अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, निर्देशक, निर्माताओं, सिनेमेटोग्राफर्स, म्यूजिकल कंपोजर्स, गायकों, लेखकों को 50 से अधिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म जग्गू की लालटेन के लिए नीरज गुप्ता को बेस्ट एक्ट्रेस डेब्यू, फीचर फिल्म सांघ्या को बेस्ट रीजनल फिल्म मराठी के लिए निशांत कारकिदे, राहुल पाटिल मिलिंद ईमानदार और मिलिंद ईमानदार को ही बेस्ट डायरेक्टर डेब्यू, गढ़वाली फीचर फिल्म यू कतु रिश्ता के सामाजिक प्रासंगिकता के लिए अंकित कौडियाल, गढ़वाली फीचर फिल्म यू कतु रिश्ता को सामाजिक प्रासंगिकता के लिए अंकित कौडियाल लक्की को और पद्मेंद्र रावत को बेस्ट स्पोर्ट्स एक्टर एवं हिंदी फीचर फिल्म टीटू अंबानी को बेस्ट फीचर फिल्म के लिए, महिंद्रा विजयदान येदा तथा रोहित राज गोयल को बेस्ट डायरेक्टर एवं विभिन्न श्रेणियों के लिए अनेकों अवार्ड से फिल्म मेकर्स को सम्मानित किया गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं गाजियाबाद में कीफा फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 आयोजित किया गया, और जिसमें देश के कोने कोने से लोग सम्मिलित हुए और अवार्ड सेरेमनी हुआ। इस वीडियो को देखकर हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार है, और अगर आप इस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2004 से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। अभी ज़माना बदल गया है, आज के ज़माने के हिसाब से फिल्में बन रही हैं, तो वन हैव टू फेस जो भी फैक्ट्स हो रहे हैं उसका एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ज़माने में अलग फिल्में बना करती थी। आज लोग कहते हैं यार पहले जैसी फिल्में बन नहीं रही हैं, अगर बनती भी है तो कोई जाता नहीं है देखने के लिए। सो ज़माने के साथ इंसान को बदलना चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट मूव। तो मैं तो दिल से दुआ करती हूँ कि बहुत और आगे बढ़े और हमेशा करते रहें, और जितने अवार्ड्स फंक्शन होगा मुझे जब भी बुलाएंगे मैं दोबारा नहीं सोचूंगी, 100% आई विल कम। काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स कीफा का ये तीसरा साल है, और बाय चांस आई एम लक्की कि मैं तीनों साल यहाँ मौजूद हूँ, आज तीसरे साल में भी मौजूद हूँ। एक बहुत ही उम्दा फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, जहाँ बहुत ही प्यारी फिल्में दिखाई जाती हैं जो शायद दुनिया में कहीं देखने को ना मिले आपको, यूट्यूब में या सिनेमा हॉल में। ऐसी सिनेमा जो आसपास के लोग, जिनको शायद ऐसा सिनेमा कहीं देखने को ना मिले। मैं मतलब यही कहना चाहूँगा कि जितना भी हो सके
आपको चाहे सोशल मीडिया हो या किसी तरीके से भी कीफा को जहाँ भी आपको लगे प्रमोट ज़रूर कीजिए, थोड़ा सा बताइए लोगों को, और देखने आइए सिनेमा, देख सिनेमा देखना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली कीफा बिल्कुल जब शुरुआत हुई थी, कीफा वन हुआ था, तो जस्ट एक विचार लेकर के हुआ था कि ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जिन्हें बाहर मौका नहीं मिल पाता, और जो फेस्टिवल में फिल्में आती हैं वो सब जगह दिखाई भी नहीं जाती। तो हमने यही सोचा था कि नए फिल्म मेकर्स को मौका मिले, ऐसे फिल्म मेकर्स को मौका मिले जिन्हें और कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पाते, तो इस तरह से शुरुआत हुई थी। और अच्छी बात यह हुई कि बहुत सारे लोग कीफा से जुड़े, और अब कीफा एक विचार और एक सोच नहीं रह गया है, ये पूरा का पूरा एक मूवमेंट बन गया है जो जिससे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और यशपाल तो हमारे साथ हमेशा जुड़े हैं। फिल्में हमारे पास पहले साल आई हैं उससे आज की डेट में 2-2.5 गुना फिल्में हमारे पास में आई हैं, और ये इसलिए क्योंकि हमारे फेस्टिवल की विश्वसनीयता, क्योंकि हम लोग क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी की बात करते हैं कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फिल्मों का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, तो वो उसमें हम लोग कामयाब हुए और हमारे फेस्टिवल की चर्चा बहुत दूर दूर तक हो रही है। गोवा में भी हम लोग गए थे तो वहाँ पर भी किसी ने हमसे कहा कि आप वो काशी फिल्म फेस्टिवल है उसमें आप अपनी फिल्म दो। तो मैंने कहा दोस्त हम फाउंडर हैं काशी के, बोले क्या बात कर रहे हैं। तीसरे फेस्टिवल के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि ये कीफा हमने जो है 2021 में शुरू किया था जी। तो जो रिस्पांस हमें पहले में मिला था उससे ज़्यादा रिस्पांस हमें सेकंड में मिला, और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इस बार हमारे पास 335 फिल्में जो ऑल ओवर इंडिया से नहीं, हमारे ईरान वगैरह बाहर से भी आई हैं, विदेशों से भी आई हैं। यह कीफा का सौभाग्य है कि 3 साल के अंदर ही कीफा ने जो मुकाम हासिल किया है, लगभग 300 से अधिक फिल्में हमारे पास आती हैं, इस वजह से छांट करके हम लोग 30-40-50 फिल्में दिखा पाते हैं। लेकिन कीफा का नाम, कीफा की रोशनी बहुत तेज़ी के साथ सारी दुनिया में फैल रही है, और ट्रू मीडिया को बधाई देना चाहता हूँ कि ट्रू मीडिया हमारा सहयोगी है इस कार्यक्रम में, कदम से कदम मिला के चलता है, और ट्रू मीडिया का सहयोग और कीफा के साथियों की कर्मठता से निश्चित ही हम इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा नाम बन के उभरेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।